हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डीवीएमएस का। ये क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द रिलेशन आर, एट्रीब्यूट्स गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई जे। यहाँ तक एट्रीब्यूट्स आपको गिवन है एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी आर आल्सो गिवन। एफ इक्वल टू ए बी डिटरमाइन सी, ए डिटरमाइन डी ई, बी डिटरमाइन एफ, एफ डिटरमाइन जी एच एंड डी डिटरमाइन आई जे। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। तो कहा जा रहा है डीकम्पोज आर इन 3NF, यानी कि जो रिलेशन गिवन है उस रिलेशन को 3NF में आपको डीकम्पोज करके लाना है। तो 3NF में कैसे लाते हैं, क्या इसका कंडीशन होता है, ये हम लोग जानते हैं पहले से। 3NF में किसी भी टेबल को होने के लिए पहले से वो 2NF में होना चाहिए और उसके बाद कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो सारे रिलेशन जो है ना 3NF में कहलाएंगे अगर उसमें कोई ट्रांजिटिव और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। तो पहले हम लोग का जो रूल है, प्रक्रिया है करने का, उसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसके जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है उसको हम लोग एक साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन है ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को। उसके बाद में है ए डिटरमाइन कर रहा है डी को, ए डिटरमाइन कर रहा है डी और ई को। उसके बाद बी डिटरमाइन एफ, बी डिटरमाइन कर रहा है एफ को, एफ डिटरमाइन कर रहा है जी एच को, एफ डिटरमाइन कर रहा है जी एच को। उसके बाद में डी डिटरमाइन कर रहा है आई जे को, डी डिटरमाइन कर रहा है आई और जे को। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। अब यहाँ से हम लोग का जो सबसे पहला रूल है कैंडिडेट की फाइंड करने का, कैंडिडेट की कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे सिंपल वे आपको करना क्या है कि सारे रिलेशन को पहले लिख लेना है एट्रीब्यूट्स को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये एट्रीब्यूट्स हमारे पास गिवन है रिलेशन में। अब यहाँ पे हमको जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे गिवन है उसको यहाँ पे हमको इनकमिंग एज यहाँ पे दिखा लेना है, आउटगोइंग इनकमिंग एज को शो करना है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि देखिए ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, ए बी कंप्लीट मिल करके किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी को कर रहा है। उसके बाद में ए डिटरमाइन कर रहा है डी को, ए डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पे देख पा रहा है डी और ई को, ए डिटरमाइन कर रहा है डी और ई को। उसके बाद बी डिटरमाइन कर रहा है एफ को, बी डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पे एफ को, बी डिटरमाइन कर रहा है एफ को। उसके बाद में एफ डिटरमाइन कर रहा है जी एच को, एफ डिटरमाइन कर ले रहा है यहाँ पे जी एच को, जी एच को डिटरमाइन कर रहा है। और डी डिटरमाइन कर रहा है आई जे को, डी कर रहा है डिटरमाइन यहाँ पे डी है और ए डिटरमाइन कर रहा है आई और जे दोनों को यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडिडेट की फाइंड करना आपको, तो सिंपली देख लेना है कि किस पर कोई भी कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। तो इनकमिंग एज देखेंगे तो ए बी से जा रहा है सी पर, डी जा रहा है कहाँ पे आई जे पर, एफ जा रहा है जी एच पर, और उसके बाद यहाँ पे बी आ रहा है एफ पर और ए आ रहा है डी और ई पर। तो आप देख पा रहे हैं तो ए और बी ही इसमें ऐसा एट्रीब्यूट्स हैं जिस पर कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। इसका मतलब है कि इस रिलेशन का जो कैंडिडेट की है वो ए बी है। या फिर आप ए बी का क्लोजर भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी का क्लोजर फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे ए बी को फाइंड कर सकता है और यहाँ पे ए बी जो है ना सी को फाइंड कर सकता है और ए डी ई को फाइंड कर सकता है, डी और ई को। फिर यहाँ पे देखेंगे बी जो है एफ को फाइंड कर सकता है और एफ जो है ना जी एच को फाइंड कर सकता है और फिर डी जो है ना आई जे को फाइंड कर सकता है, यानी कि ये सभी एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकता है। इसका मतलब कि जो है ना जो की हो गया यहाँ पे की हो गया वो क्या हो गया आपका ए बी हो गया। तो ये भी हमारा कैंडिडेट की भी हो गया यहाँ पे और सुपर की भी हो गया। अब इसमें हम लोग कैंडिडेट की मिल गया। अब हमें इस रिलेशन में, इस पूरे रिलेशन में हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो वायलेट कर रहा है रूल को, यानी कि 3NF में नहीं करने होने दे रहा है इस रिलेशन को। तो यहाँ पे जो पहला रूल होता है वो आप ये चेक कर सकते हैं कि पहले ये रिलेशन 2NF में है या नहीं है। अगर है तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक कीजिए, मतलब यहाँ पे हम लोग को पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव दोनों चेक करना होता है। लेकिन अगर उसके अलावा अगर सिंपल रूल देखें तो सिंपल आप कह सकते हैं कि कोई भी रिलेशन अगर चेक करना 3NF में है या नहीं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को, एक्स और वाई इस तरह का रिलेशन है, तो आपको चेक करना है कि या तो ई एक्स जो है ना यहाँ पे सुपर की होना चाहिए या तो
सुपर की होना चाहिए, या नहीं तो जो वाई है ये प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो रिलेशन 3NF में श्योर होगा। अब इस तरह से चेक कर लेंगे तो हमारा जो है ना आसान हो जाएगा, यानी कि पार्शियल और ट्रांजिटिव को चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्स को देखेंगे क्या ये सुपर की है या, और वाई प्राइम एट्रीब्यूट है। प्राइम एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, तो प्राइम एट्रीब्यूट वह एट्रीब्यूट होता है जो की का पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में जो की का पार्ट है वो ए और बी है, तो प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे ए और बी हो जाएगा, और सुपर की यहाँ पे क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब इसे हम लोग चेक करते हैं ईच एंड एवरी रिलेशन को, यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करेंगे, ए बी डिटरमाइन कर रहा सी को। तो ये कंडीशन देखिए, ए बी क्या की का पार्ट है, ए बी क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या ए बी की का पार्ट है, तो हाँ ए बी की है, ऑलरेडी क्या है ये सुपर की है, और सी जो है ना कोई भी मतलब प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो दोनों में से कोई एक रिलेशन फाइंड करना चाहिए। तो ए वाला जो है ना ए बी की है, तो ये हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि ये रिलेशन जो है ना 3NF में ऑलरेडी है। सेकंड रिलेशन पे आएंगे, सेकंड रिलेशन में देखेंगे ए डिटरमाइन कर रहा है डी को, तो ये क्या है, क्या सुपर की है, नहीं तो ये की का पार्ट है, तो की का पार्ट है तो यहाँ तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया। तो ये जो है ना हमारा ए डिटरमाइन डी जो है ना ये रूल को वायलेट कर रहा है, क्योंकि ना ही ए सुपर की है और ना ही डी जो है ना प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, तो 3NF में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सारे एट्रीब्यूट्स को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन में से हम लोगों को जो है ना जो वायलेट कर रहा है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करेंगे कैसे, तो इसके लिए हमारे पास जो है ना यहाँ पे करना क्या होगा, तो पहला रूल हमारा वायलेट कर रहा है ए डिटरमाइन डी, तो इसको हम लोग अलग एक रिलेशन मान लेंगे, मतलब कि ये जो है ना इस रिलेशन में जो है ना अलग तरह का जो है ना एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो नेता बन रहा है, और ये चाहता है कि हम खुद से अपना पार्टी बना लें, तो इसका एक अलग पार्टी बना दीजिए, यानी कि और इस रिलेशन का नाम हम लोग कर देंगे आर वन, और आर वन ए ए कर रहा है किसको फाइंड कर रहा है, डी और ई को, डी और ई को, तो एक अलग हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये किसी और को भी फाइंड कर पा रहा है, तो ए डी और ई को फाइंड कर रहा है, और फिर यहाँ पे देखेंगे लास्ट में तो डी डिटरमाइन कर रहा है किसको, आई जे को, तो यहाँ पे आई और जे भी हो जाएगा, आई और जे। तो ये जो है ना यहाँ पे कैंडिडेट की कौन हो गया, तो यहाँ पे कैंडिडेट की ए हो गया, और ये एक अपना घर बना लिया, मतलब आप एक अपना एक पार्टी बना लिया। अब ये अपना एक पार्टी बना लिया, तो अब इसमें आप चेक करेंगे, इस रिलेशन में चेक करेंगे कि इसमें क्या 3NF हो रहा है या वायलेट कर रहा है रूल को, तो देखेंगे ए कैंडिडेट की है, तो ए डिटरमाइन कर रहा है किसको, डी और ई को, ये सही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे डी डिटरमाइन कर रहा है किसको, आई और जे को, और यहाँ पे चेक करेंगे तो ना ही डी कैंडिडेट की है, ना ही सुपर की है, और ना ही आई और जे जो है ना आपका यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये भी रूल्स को वायलेट कर रहा है। तो इसको फिर से ब्रेक कर देंगे फर्दर, और यहाँ पे बना लेंगे एक और रिलेशन, यहाँ पे आर वन वन हो जाएगा, यहाँ पे ए डी और ई एक अलग बन गया, और एक और आपका यहाँ पे बन जाएगा आर वन टू, ये रिलेशन आपका जो है ना डी के साथ बन जाएगा, तो डी और ई बन जाएगा, सॉरी डी आई और जे बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका जो है ना रिलेशन बन जाएगा डी आई और जे, डी आई और जे। अब ये दोनों रिलेशन जो है ना आपका 3NF में आ गया, क्योंकि देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ए क्या है आपका की है जो डी और ई को डिटरमाइन कर रहा है, और दूसरे रिलेशन में यहाँ पे डी जो है ना आपका एक की है जो आई और जे को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये दोनों रिलेशन हमारा किसमें हो गया, ये 3NF में ऑलरेडी हो गया। अब उसके बाद सेकेंड वाले को टेस्ट करेंगे, यहाँ पे उसके बाद आपको इसको टेस्ट करना है, तो यहाँ पे देखेंगे बी डिटरमाइन एफ, क्या ये वायलेट कर रहा है रूल को, बी डिटरमाइन एफ, तो बी की का पार्ट है, की नहीं है, तो ये भी जो है ना ये रूल को वायलेट कर रहा है, यानी कि इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसके लिए भी एक अलग से रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक अलग से रिलेशन को डिटरमाइन करेंगे, रिलेशन को बना देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आर टू, आर टू एक रिलेशन बनेगा, और ये बनेगा बी के साथ, बी और एफ बन जाएगा। अब देखेंगे क्या बी किसी और को फंड कर रहा, तो नहीं, क्या एफ किसी और को फंड कर रहा, तो हाँ एफ फंड कर रहा किसको, जी और एच को, एफ फंड कर रहा है यहाँ पे जी और एच को डिटरमाइन कर रहा है,
तो यह एक अलग रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये रिलेशन जो R2 बना है ये 3NF में है या नहीं है, 3NF में है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे की कौन सा हो गया, तो यहाँ पे की हो गया B, तो B डिटरमाइन कर रहा किसको, F को, B डिटरमाइन कर रहा F को। ये बहुत अच्छी बात है कि B क्या हो गया, की हो गया, तो ये हमारा 3NF में है। लेकिन यहाँ पे F देखेंगे तो F डिटरमाइन कर रहा है G और H को, L डिटरमाइन कर रहा है G और H को, तो F ना ही की है और ना ही G H जो है ना प्राइम एट्रीब्यूट है। तो यहाँ से फिर से इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो एक आपका बन जाएगा रूल R2 1 बन जाएगा यहाँ पे, B और F बन जाएगा, और दूसरा बन जाएगा यहाँ पे R2 2, यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा G और H, सॉरी F के साथ बन जाएगा। तो F किसको डिटरमाइन कर रहा है, F डिटरमाइन कर रहा है G और H को, G और H को। तो ये हमारा जो है ना दूसरा रिलेशन हो गया और ये कंप्लीटली जो है ना 3NF में हो गया। ये हमारा कंडीशन अब देखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे F F डिटरमाइन कर रहा है G H को, तो ये ऑलरेडी शामिल हो चुका है। देखिए F को जो है ना, F G H को जो है ना, ये B जो है ना शामिल कर चुका है, और D I J को जो है ना ये ही शामिल कर चुका है, तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पे जो A B C D E F G H I J जो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स गिवन है, इसमें से कोई रिमेनिंग बचा भी है, तो यहाँ पे देखें चेक करेंगे। A जो है ना, A डिटरमाइन कर रहा है किसको, A शामिल कर लिया है D E I J को, A शामिल कर रहा है D को, और उसके बाद में आपको D शामिल कर, D और E को, और D शामिल कर लिया है I और J को, I और J को शामिल कर लिया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे B, B शामिल कर लिया किसको, B शामिल कर रहा है F को, और F शामिल कर रहा है G और H को, तो हमारे पास रिमेनिंग कौन बच रहा है, C बच रहा है। तो जब भी हम लोग कैंडिडेट की फाइंड करेंगे तो कैंडिडेट की को हमेशा जो है ना रखेंगे, अपने साथ में रखेंगे। वो इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर आपको बाद में जो है ना उसको शामिल करना है, मतलब उस रिलेशन को एक साथ मर्ज करना है, तो कैंडिडेट की के साथ ही मर्ज करेंगे, उसको हटा देंगे, तो फिर आपका रिलेशन जो है ना लॉसी डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो वो सही नहीं होगा। इसलिए आपको कैंडिडेट की को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे R3 एक रिलेशन बन जाएगा जो ए बी क्या होता है कैंडिडेट की हो गया, और एक बच गया कौन, सी बच गया है, तो सी को साथ में शामिल कर लेंगे। तो ये आपका जो है ना फाइनल जो है ना रिलेशन बन गया 3NF में। तो 3NF में आपके पास कितना रिलेशन हो गया, फाइव फाइव रिलेशन हो गया। पहला तो इसमें हो गया R11, जिसमें आपका एट्रीब्यूट्स है A D E A D E। उसके बाद में R12, उसमें हो गया रिलेशन D I J D I J। उसके बाद में जगह R21, ये जगह B और F। उसके बाद में आ गया R22, इसमें जगह आपका F G H हो गया। और उसके बाद में है R3, ये हो जाएगा आपका A B और C। तो ये जो कंप्लीट रिलेशन हो गया, ये रिलेशन कितना किसमें हो गया, 3NF में। 3NF में ये फाइनल रिलेशन आपका हो गया।